हेलो स्टूडेंट्स, अभी इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें। उसका बेनिफिट ये हुआ कि हम ये प्रूव कर पाए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, दोनों फोर्सेस एक्शन और रिएक्शन पेयर फॉर्म करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या फीचर्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं। आइए हम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बात करते हैं या फीचर्स की बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के। आइए हम डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है, किन किन बातों को फॉलो करता है, ये हमें डिस्कस करना है। सबसे पहला पॉइंट है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज इनडिपेंडेंट ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ये M1 है, ये M2 है, दोनों एयर में रखे गए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस r है, फोर्स M0 है। अब इन दोनों मासेस को हमने एक मीडियम में ला के रख दिया, अब भी डिस्टेंस r है, मासेस M1 M2 है, अब फोर्स हमने F कंसिडर कर लिया, तो F=F0 हो गया। F=F0 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि दो मास के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स उन मासेज के बीच मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। मीडियम चाहे प्रेजेंट हो या ना प्रेजेंट हो, अगर मास सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स चेंज नहीं होता है। जबकि ऐसा इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ, मैग्नेटिक फोर्स के साथ ऐसा नहीं होता है, वो मीडियम डिपेंडेंट होते हैं। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरवीनिंग मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है कि M1 M2 के बीच में कौन सा मीडियम है। ओके, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्ट्रिक्टली होल्ड्स फॉर पॉइंट मास। ये जो न्यूटन ने अपना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया है, ये पॉइंट मास के लिए डिफाइन किया है। रीजन क्या है, किसी पॉइंट मास का साइज नेग्लिजिबल होता है, तो उसके लिए हम उनके बीच की डिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन किसी एक्सटेंडेड बॉडी के लिए आर हम ऐसे डिफाइन करेंगे, तो इसलिए स्ट्रिक्टली ये जो है एक पॉइंट मासेज के लिए अप्लाई होता है, एक्सटेंडेड बॉडी के लिए नहीं। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए थर्ड बॉडी। दो बॉडी के बीच में जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो किसी थर्ड बॉडी के या थर्ड मास के प्रेजेंट या अब्सेंट पर डिपेंड नहीं करता है। दो बॉडी के बीच में जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, थर्ड बॉडी प्रेजेंट हो ना प्रेजेंट हो, वो उतना ही फोर्स एक्ट करेगा। मीन्स अगर सपोज करो M1 M2 के बीच में 100 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ ना करके हम एक M3 बॉडी रख दे, तब भी इन दोनों के बीच में 100 न्यूटन का फोर्स ही एक्ट करेगा, वो कम ज़्यादा नहीं होगा। ओके, अगला है द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नंबर एक कंजर्वेटिव फोर्स, नंबर दो सेंट्रल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में दो प्रॉपर्टी है, एक तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। रीजन क्या है कि इसके द्वारा वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है बॉडी में। दूसरा ये सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स उन फोर्सेस को कहते हैं जो केवल पोजिशन या डिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं, जो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट या अवे फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एक्ट करते हैं, उनको हम सेंट्रल फोर्सेस कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेस फ्रॉम एक्शन एंड रिएक्शन पेयर मीन्स फॉलो द न्यूटन थर्ड लॉ। दो पॉइंट मासेस के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करता है, वो एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करता है। इसका मतलब ये हो गया कि वो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन आर नॉट ऑन थीटा, सो इट हैज अ स्फेरिकल सिमेट्री। मीन्स दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स उन बॉडी के बीच में केवल डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, थीटा या एंगुलर पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स में स्फेरिकल सिमेट्री होती है। मीन्स ये सिमेट्रिकली स्फेरिकल एक्ट करता है।
ओके, तो ये रहे इम्पोर्टेंट फीचर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के। ओके, आइए अब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, आइए देखें। सपोज कर लिया कोई एक एम नॉट बॉडी, एम नॉट मास है, और इस मास पर हमें एम वन, एम टू, एम थ्री, थ्री मासेस की वजह से नेट फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। ये कोई एक हमारा मास एम नॉट है, इस मास पर हमें इन थ्री मासेस एम वन, एम टू, एम थ्री की वजह से नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो नेट फोर्स जो होता है वो हर एक मास के द्वारा इस पर अप्लाई किए गए इंडिविजुअल फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है। तो नेट फोर्स हो जाएगा एम नॉट पर वेक्टर एफ नॉट वन प्लस वेक्टर एफ नॉट टू प्लस वेक्टर एफ नॉट थ्री, मतलब एम नॉट पर जो एम वन के द्वारा फोर्स अप्लाई होगा प्लस एम नॉट पर जो एम टू के द्वारा फोर्स अप्लाई होगा प्लस एम नॉट पर जो एम थ्री के द्वारा फोर्स अप्लाई होगा। ओके, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेज एक्ट्स इंडिपेंडेंटली एंड आर अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी, मीन्स किन्हीं दो पॉइंट मासेज के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड किसी थर्ड मास के प्रेजेंट या अब्सेंट पर डिपेंड नहीं करता। इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, या इसका दूसरा स्टेटमेंट इस तरीके से है, द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ड्यू टू अ नंबर ऑफ मासेस इज द वेक्टर सम ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड बाय इंडिविजुअल मासेस ऑन द गिवन पार्टिकल, मीन्स किसी एक गिवन पार्टिकल पर ए नंबर ऑफ जो मासेज हैं उनके द्वारा अप्लाई किया गया जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होता है वो हर एक पार्टिकल के द्वारा अप्लाई किए गए फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है। मैथमेटिकली एफ नेट इक्वल टू वेक्टर एफ वन प्लस वेक्टर एफ टू प्लस वेक्टर एफ थ्री डॉट डॉट वेक्टर एफ एन, या वेक्टर एफ नेट इक्वल टू आई इक्वल टू वन टू एन एफ आई, आई इक्वल टू वन टू एन एफ आई, एफ आई का मतलब ये आपका आई इक्वल टू वन टू थ्री फोर जितने मासेज हैं उनकी वजह से। एग्जाम्पल ये एम नॉट मास है, ये एम नॉट मास है, और इस एम नॉट मास पर हमें फोर्स अप्लाई करना है एम वन की वजह से, एम टू की वजह से, एम थ्री की वजह से। तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले हम इस पर निकाल लें कि एम वन की वजह से कितना आएगा, वो आएगा एम नॉट वन, फिर एम टू की वजह से निकालें वो आएगा एम नॉट टू, फिर आएगा एम थ्री की वजह से आ जाएगा एम नॉट थ्री, फिर तीनों का वेक्टर सम ले लें तो नेट फोर्स आ जाएगा। ये देखिए एम नॉट वन, ये एम नॉट वन है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी क्योंकि एम वन इसको अट्रैक्ट करेगा, ये एफ नॉट थ्री है इसकी डायरेक्शन ये होगी, रीजन क्या है एम थ्री इसको अट्रैक्ट करेगा, ये एफ नॉट टू होगा ये एम टू को जैसे कि ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अब इस फोर्स की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी, इस फोर्स की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी, इस फोर्स की डायरेक्शन आपके इसके अपोजिट होगी, तो नेट फोर्स हो जाएगा एफ नेट इक्वल टू माइनस जी एम वन एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर नॉट वन प्लस एम टू एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर वेक्टर आर नॉट टू प्लस एम थ्री एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर वेक्टर आर नॉट थ्री यूनिट वेक्टर आर नॉट थ्री। ये आपका कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अप्लाई करके हम एक गिवन मास पर बाकी अदर मासेज के द्वारा रिजल्टेंट या टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके ओके, अब हम इसके बाद सेल थ्योरम का डिस्कशन करेंगे कि सेल थ्योरम क्या है, सेल थ्योरम को हम अप्लाई कैसे करते हैं, सेल थ्योरम कहती क्या है, सेल थ्योरम का अप्लीकेशन न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करते हैं, अब हम ये डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने दो चीज़ें देखा, एक ये देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है, दूसरा हम लोगों ने देखा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए भी अप्लाई होता है, मैग्नेटिक फोर्स के लिए भी अप्लाई होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी अप्लाई होता है, जिसके हेल्प से हम किसी एक गिवन मास पर बाकी अदर मासेज की वजह से रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है उस पर हम बात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारी है सेल थ्योरम, इसको न्यूटन ने दिया था, इसे न्यूटन सेल थ्योरम का